यादें सुहानी होती हैं, है ना दोस्तों। बचपन में अपने दादा दादी से लोरी सुनना, दोस्तों के साथ स्कूल में मस्ती करना, इन सभी पुरानी यादों को याद करने से ऐसा लगता है मानो ये सभी कल की ही बातें हों। लेकिन एक तरफ जहां इन यादों का अपना ही एक अलग खूबसूरत पल है, वहीं कई बार ये यादें हमारी तकलीफ की वजह भी बन जाती हैं। जो गुजर गया उसे भूल जाओ, हम अक्सर इस तरह की सलाह सुनते रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इस बात पर अमल कर पाना आसान नहीं होता। कई बार हम चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, कुछ चीजें हमारे दिमाग से कभी निकल ही नहीं पाती। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप किसी को माफ तो कर सकते हैं लेकिन भुला नहीं सकते। हम चाहे अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़े, लेकिन हम सभी को अपनी जिंदगी में अलग अलग दिक्कतों का सामना अलग अलग तरीके से करना पड़ता है, और कई बार ये बुरे दिन हमारी यादों पर बहुत गहरा असर छोड़ जाती है, जिन्हें भुलाना हमारे लिए आसान नहीं होता। लेकिन हमें दिक्कत तब होती है जब गुजरे हुए कल की परछाई हमारे आज की जिंदगी पर पड़ने लगती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हम उन यादों से छुटकारा कैसे पाएं और अपने पास्ट से बाहर कैसे निकला जाए। दोस्तों, क्या आप माफ करने में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो आपने माफ करो और आगे बढ़ो कहावत तो सुनी ही होगी। अब दुख देने वाले को माफ करना कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन बार बार उन पुरानी यादों को दिमाग में दोहराने से तो अच्छा है कि आप अपने पास्ट में हुए हादसे को एक्सेप्ट करके उसे जाने दें। ऐसे में जब तक आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक उससे बाहर कैसे निकल पाएंगे। हम सबके जीवन में कुछ घटनाएं अच्छी तो कुछ बहुत बुरी होती हैं, जो हमारे मन पर बहुत गहरा असर छोड़ जाती हैं। लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही जिंदगी है, और ऐसा करने के लिए सबसे पहले ये दिखाना बंद कर दें कि आपको अपने पास्ट लाइफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि अक्सर ऐसा जताने वाले लोग अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रहे होते हैं। ऐसे लोग अपने पास्ट को याद तो नहीं करना चाहते, लेकिन उसको भूल भी नहीं पाते। इसलिए पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। क्योंकि जब हम अपने पास्ट को बार बार याद करते हैं, तो ऐसे में हम अपने दिमाग को नई यादें बनाने का मौका ही नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारे अंदर का गुस्सा और बदले के इमोशंस हमें खुद में ही सीमित कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम सब कुछ एक्सेप्ट करके लोगों को माफ कर देते हैं, तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बोझ हमारे दिल और दिमाग दोनों पर से उतर गया हो। लेकिन ये बात भी सच है कि जब हम किसी अपने बहुत करीबी इंसान से या अपने किसी चाहने वाले से धोखा खाते हैं, तो उस धोखे को माफ करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए दोस्तों, दूसरों को माफ करना मुश्किल काम जरूर है, लेकिन इससे हमारे दिल और दिमाग को बहुत शांति मिलती है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में एक सबक बनकर आते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से हमें सबक लेकर अपनी जिंदगी में की हुई गलतियों को दोबारा ना दोहराने का वादा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि पुरानी बातों को पकड़कर बैठे रहने से कुछ नहीं होता, इससे सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए पुरानी बातों पर रोने से अच्छा है कि आगे बढ़कर अपनी गलतियों में सुधार किया जाए। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह होता है, जहां तरह तरह के फल और सब्जियां उगे हुए होते हैं। अब जैसे अपने बगीचे को सुंदर बनाए रखने के लिए हम पौधों की कटाई छटाई करते रहते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग खराब या कड़वी यादों को दिमाग से साफ करने का काम करता है। लेकिन हर इंसान का नेचर और उसके सोचने का नजरिया अलग होता है। जैसे कि कोई बहुत ही जल्दी बीती बातों को भुलाने में कामयाब हो जाता है, तो वहीं कोई इनसे जिंदगी भर छुटकारा नहीं पाता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो पास्ट को भुलाने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि पुरानी यादों को भुलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारा दिमाग दिन भर में तरह तरह की बातों को सोचता रहता है। इनमें से कुछ बातें या फिर यादें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं और हमें परेशान करती रहती हैं। ये सब बातें हमें मेंटली कमजोर बना देती हैं, जिस वजह से हम किसी काम पर न फोकस कर पाते हैं और ना ही उससे पीछा छुड़ाने के लिए कोई सोल्यूशन खोज पाते हैं। इसलिए ऐसी हालत में ध्यान यानी मेडिटेशन दिमाग को आराम देने के लिए एक बेहतरीन तरीका माना जाता है। इसलिए दिमाग को शांत रखने के लिए हर रोज मेडिटेशन की प्रैक्टिस जरूर करें। ये न केवल दिमाग की थकान को कम करने में मदद करता है, बल्कि मन को
इधर उधर भटकने से भी रोकता है। इस माइंडफुलनेस थेरेपी को प्रैक्टिस करने से हमारे दिमाग में बार बार रिपीट हो रहे थॉट्स शांत हो जाते हैं, जिससे हम खुद पर काबू कर पाते हैं और हमारा मन और थॉट्स हमारे कंट्रोल में रहते हैं। ध्यान में इतनी ताकत होती है कि ये हमारे शरीर की हर बीमारी को ठीक कर सकता है, इसलिए ये पुरानी यादों से छुटकारा पाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके साथ ही बाहर घूमने फिरने से, नए दोस्त बनाने से हमारे साथ नई यादें जुड़ जाती हैं। ये नई यादें हमारी पुरानी यादों से छुटकारा पाने में मदद करती हैं। इसके अलावा अपने पास्ट से निकलने के लिए आप कुछ नई आदतें भी डाल सकते हैं, जैसे आप रोज कुछ देर एक किताब पढ़ सकते हैं या फिर मन को खुश रखने के लिए अपनी पसंद की कोई मूवी भी देख सकते हैं। क्योंकि पुरानी बातों के बारे में एक इंसान सबसे ज्यादा तब सोचता है जब वो खाली रहता है या फिर अपना ज्यादातर समय अकेले में बिताता है। इसलिए खुद को अपनी पसंद के कामों में बिजी रखें और अपने रोज की जिंदगी में कुछ ऐसी आदतें बनाएं जो आपको फालतू की बातें सोचने के लिए समय ही न दें। और ऐसा तभी हो पाएगा जब हम अपने दिमाग को किसी न किसी काम में उलझा कर रखेंगे। ऐसा करने के लिए आप एक जर्नल भी बना सकते हैं। क्या आपको याद है जब हम बच्चे थे तो अपने मन की हर बात अपनी डेली डायरी में लिखा करते थे या फिर अपने किसी दोस्त से या माँ के साथ शेयर किया करते थे, जो हमें सारे नेगेटिव बातों से आजाद होने से मदद करती थी और हल्का फील कराती थी। जिस तरह से अपने हर सीक्रेट और दुख को शेयर करके हम अपनी हर तकलीफ से आजाद महसूस किया करते थे, ठीक उसी तरह आप अपने दिल की बातों को एक डायरी में लिख सकते हैं या फिर किसी से शेयर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से हम नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा पाते हैं। साथ ही ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ा देता है, जो कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ने नहीं देता और नेगेटिव थॉट्स को हम पर जल्दी से हावी भी नहीं होने देता। आप चाहें तो ऐसी चीजों को भी अपने जर्नल में लिख सकते हैं जिसके लिए आप थैंकफुल महसूस करते हैं। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल एक थॉट डायरी की तरह ही होती है, जिसमें हम उन सभी चीजों के लिए आभार जताते हैं जिनकी वजह से हमें खुशी मिली हो। ऐसा करने से न केवल हम खुश रह पाते हैं बल्कि हमारा जिंदगी को देखने का अपना नजरिया भी बदल जाता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि खुद को समझने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन को और दिमाग को शांत रखना, लेकिन आज के लोगों के लिए मन और दिमाग को शांत रखना बहुत मुश्किल हो गया है। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग उन चीजों के पीछे भागते हैं जिन्हें वो पा नहीं सकते, और ऐसे में जो कुछ उनके पास पहले से होता है